ऐसा महान कार्य चल रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के शुभ अवसर पर आप सभी थोड़ा सा अपना समय निकाल करके सोचिएगा। अभी जागने का समय आ गया, सिर्फ इन आँखों से नहीं, आंतरिक अपने बाबा के बच्चे ब्राह्मणों को भी भगवान का यही संदेश है। तीन चीज़ों से भगवान ने हम सबको जगाया। 20 तारीख को याद है सबको, कहीं ना कहीं ज्ञान समझ में आने के बावजूद भी आलस्य, दूसरा कौन सा अलबेलापन, तीसरा बहानेबाजी, इन तीनों की नींद में कहीं हम भी तो नहीं सोए हुए। हमने बैस तो लगाया, मुरली तो सुन रहे हैं, अभी हमें सचमुच में जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि 84वां शिव जयंती का त्यौहार कुछ हमें खास अपने लिए लेकर, क्योंकि हमारे बनने से जो पूर्वज आत्माएं रिस्पॉन्सिबल आत्माएं होती है, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए अपना परिवर्तन कर एक समाज को सुंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि राम राज्य। तो कैसे आएगा राम राज्य, जिन्हें भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब हमने अपने जीवन को राम जैसे गुणों से संपन्न बनाने का संकल्प लेंगे, राम जैसे आचरण का, राम जैसे चरित्र का, तभी ये राम राज्य आएगा। सिर्फ नारे से राम राज्य नहीं आएगा। तो आज के शुभ अवसर पर हम सभी उस सतयुगी सतो प्रधान दुनिया को, निराकार राम के द्वारा स्थापित राम राज्य को लाने के लिए किन को छोड़ना पड़ेगा? अगर हमने क्रोध को पकड़ा होगा तो राम राज्य आएगा, ईर्ष्या को हमने पकड़ा होगा तो राम राज्य आएगा। हमने पकड़ा है गुस्सा, हमने पकड़ा ईर्ष्या, हमने पकड़ रखा है बदले की भावना, तो हम राम राज्य की कल्पना करेंगे वो साकार नहीं हो पा रहा। कोई और बाधा नहीं डाल रहा, बाधा कौन डाल रहे हैं? राम राज्य डालने में बाधाएं कौन है? कोई और नहीं, हम स्वयं बने। जब हम ये संकल्प यहाँ से इसको रिलीज करेंगे, यहाँ से इन विकारों को छोड़ेंगे, तब जा कर के फिर से राम राज्य स्थापित होगा। आज के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर के एक एक उंगली उस महान पर्व कार्य के लिए अगर लगाएंगे, तो राम राज्य आना असंभव नहीं, इन्हीं आँखों से हम साकार में उस दुनिया को आते हुए देखेंगे। जब इस दुनिया में वो चीज़ें दिखाई देने लगेगी, तो इस सब बातों का जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है भाई? हम जिम्मेवार। जब हम जिम्मेवारी अपनी लेंगे, तो भगवान ने कहा बदला न लो, बदल करके दिखाओ। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम शांति।